To get some interesting tech tutorials and hacks, please subscribe my channel and hit the bell icon. Subscriptions are always free. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक वेबसाइट के बारे में जानेंगे। इस वेबसाइट पे जाके आप कोडिंग फ्री पे सीख सकते हैं और आपको फ्री में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ फ्री में होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कोई भी फेवरेट ब्राउज़र पे गूगल पे चले जाइए और सर्च कीजिए सोलो लर्न, SOLOLEARN, सोलो लर्न। और जो पहला वेबसाइट है sololearn.com, इस पर आप विजिट कर लीजिए। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स मिलेगा, फ्री ट्यूटोरियल्स, और साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन इन बटन है, इस पर दबाइए। उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअली जैसे कोई भी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, अपना नाम टाइप कर दीजिए, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप कर दीजिए। फिर आपका ईमेल वेरीफाई करना होगा, अकाउंट वेरीफाई करना होगा, वैसे आप कर सकते हैं। या तो फिर आप सिंपली साइन इन पे जाइए, यहाँ पे आप अपने फेसबुक अकाउंट या तो फिर गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, साइन इन करके वापस आता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने साइन इन कर लिया है और यहाँ पे मैंने अभी मैं तीन कोर्सेज कर रहा हूँ, SQL, पाइथन और PHP। SQL मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको थोड़ी देर बाद सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कैसे दिखता है सर्टिफिकेट। तो सपोज आप यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर कोर्सेज पे चले जाइए और आप यहाँ से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C#, PHP, स्विफ्ट, रूबी, jQuery, HTML, CSS, SQL, ये सब, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग जानना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप एक हैकर बन सकते हैं, उस पर मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से ही आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बता रहा हूँ। ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैकिंग के फील्ड में बहुत यूज़ होते हैं, तो आप इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो पहले ही सीख लीजिए। पहला है पाइथन। जितने सारे हैकिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो सबसे पॉपुलर हैकिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर पाइथन पे ही कोड किया जाता है। यहाँ से आप पाइथन 3 सीख सकते हैं। मैं फ्यूचर में पाइथन के भी ट्यूटोरियल्स लाऊंगा मेरे चैनल पे। और आप यहाँ पे दूसरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है SQL। जितने सारे बड़े बड़े डेटाबेसेस मेंटेन होते हैं वो सभी SQL लैंग्वेजेस से, मतलब उसके साथ अगर इंटरेक्ट करना है तो आपको SQL जानना ही होगा। SQL बिना जाने आप उस, मतलब SQL इंजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप SQL इंजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको SQL जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट में आता है जावास्क्रिप्ट। जो XSS वल्नरेबिलिटी टेस्ट करते हैं जब, तो उसके पीछे आपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड, वो स्क्रिप्ट टैग, जो कुछ भी आपने एंटर कर दिया इनपुट फील्ड पे, वो काम क्या किया वो तो आपको समझना होगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट जानना होगा। तो पाइथन, SQL और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आप सीख लीजिए। उसके बाद आप बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे PHP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। उसके बाद रूबी है, रूबी आप सीख सकते हैं। जितने सारे मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स होते हैं वो सभी रूबी पे कोड किया जाता है। HTML सीख सकते हैं, CSS सीख सकते हैं। अगर आप आईफोन के ऐप्स बनाना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट सीखना होगा। स्विफ्ट सीखने से आपको iOS ऐप आप तैयार कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जावा। अगर आप सपोज़ एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाहते हैं तो आप जावा, अगर आपको जावा आता है तो आप एंड्रॉयड ऐप्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे सपोज आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज रूबी मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस पर आप दबा दीजिए, इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कितने सारे लेसन्स हैं वो सभी आपको, मतलब जो सिलेबस है यहाँ का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं इधर पे।
इनका एक एंड्रॉयड ऐप भी आता है, एक आईफोन का ऐप भी आता है, और एक आईओएस ऐप आता है, और आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी सीख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे नहीं सीखना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाके सोलो लर्न सर्च कीजिए, आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा, आप वैसे भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लर्न ऑन द वेब कर देता हूँ, बेसिकली सब कुछ एक ही होगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है, कुछ देर बाद कोर्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कोर्स ओपन हो चुका है। इधर में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे दबा दीजिए ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ये सब पहले से ही करके रखा है, तो इसलिए ये मेरा ग्रीन आ रहा है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको कुछ ऐसा लगेगा दिखने में, ऐसे ब्लू कलर का आएगा। जब पहले आप कुछ सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू कलर का आएगा। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए ग्रीन कलर का आ रहा है, और एक टिक मार्क भी आ रहा है। तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उस लेसन को। उसके बाद आपके पास ये सब कुछ सिखाएगा, ये एक एग्जाम्पल दे के आपको सिखाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो इसको ट्राई इट योर सेल्फ कीजिए। तो आपको कोड, आप कोड यहाँ पे ब्राउजर पे रन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे वो कोड पहले से ही मतलब बना के रखा है, आप यहाँ पे रन पे दबा दीजिए तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कितना देर लगाता है। जल्दी हो जा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टू यंग, यहाँ पे जो कोड था एज इक्वल टू 15, तो ये एक इफ स्टेटमेंट पे देख रहा है कि एज ग्रेटर देन 18 है कि नहीं। तो एज यूजल एज 15 है, तो ग्रेटर देन 18 नहीं है। तो इसका मतलब ये पुट्स मतलब जो प्रिंट करता है वेलकम, अगर ग्रेटर देन 18 हुआ तो वेलकम, और अगर लेस देन 18 हुआ तो टू यंग। तो यहाँ पे क्योंकि 15 लेस देन 18 है तो ये टू यंग प्रिंट कर दिया। तो ऐसे आप यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं इससे। तो उसके बाद जब ये एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आप इस एरो पे दबा दीजिए, तो आपके पास एक मतलब एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको आंसर करना ही होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली उस आंसर को फिलअप कर दीजिए, और इस टिक मार्क पे यहाँ पे एक टिक मार्क है, इस पे दबाइए। जब आप अगर आप ये करेक्ट आंसर देंगे तभी आपका नेक्स्ट लेसन ओपन होगा। जब तक आप ये करेक्ट आंसर नहीं देंगे तब तक नेक्स्ट लेसन ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, ये रहा वो सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, और यहाँ पे जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, जैसे मैंने एसक्यूएल का कोर्स कंप्लीट किया है, तो दिस इज टू सर्टिफाई दैट ध्रुवज्योति दे हैज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द एसक्यूएल फंडामेंटल्स कोर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ऊपर जो उनका लोगो है कि किस डेट पे ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, 28 दिसंबर 2017। और यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से आपको इस सर्टिफिकेट से कोई जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप एटलीस्ट प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ मेरे पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है। आप किसी को कह पाएंगे, आपके पास एक मतलब हार्ड कॉपी प्रूफ रहेगा कि हाँ मेरे पास इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है। आप मुझे कुछ बेसिक मतलब प्रश्न पूछेंगे, या तो फिर बेसिक कोड सॉल्व करने देंगे, तो मैं वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करके एक फ्री सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।